हेलो गाइस, वेलकम टू बिहारी बुकर। आज मैं आपके लिए मटन करी की बेहतरीन रेसिपी लेके आई हूँ। देखने में जितना ही ज़्यादा लजीज लग रहा है, यकीन मानिए कि उतना ही ज़्यादा लजीज था। हाँ, मैंने पैन गर्म करके रखा है। अब देखिए, 1 केजी मटन यहाँ लाके रखा है मैंने। ये ऑयल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें जीरा डालें। 2 या 3 मिर्च डालना है, 2 तेज पत्ता डाले हैं, 2 रेड जब हो जाता है तो फिर हम इसमें प्याज डालें। इसमें हम 1/2 केजी प्याज डाले हैं, 1 केजी मटन में 1/2 केजी प्याज डाला गया है। उसे चलाएंगे, थोड़ा सा नमक डालेंगे ताकि प्याज अच्छी तरह से गल जाए, गलने में हेल्प मिलता है इससे। थोड़े थोड़े देर में चलाते रहें ताकि तेल और प्याज दोनों अच्छी तरह से एक दूसरे में मिल जाए। मैं अब इसमें 3 से 4 पीस लहसुन का डाली हूँ, इससे मटन और भी ज़्यादा टेस्टी लगता है। देखिए, थोड़े थोड़े देर में चलाने के बाद कलर आ रहा है और प्याज भुना गया। अब इसमें हम हल्दी डाले हैं, 2 से 3 स्पून। फिर इसे अच्छे तरह से मिलाएं। लहसुन अदरक का पेस्ट डाले हैं। फिर इसे ठीक से मिलाएं ताकि अच्छे से ऑयल में घुल मिल जाए। मसाला और मैंने डाला है इसमें, इसमें रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, ये सारे मसाले मिक्स हैं। उसका मैंने पेस्ट पहले से बना करके रखा था, अब उसे डाल के हम ठीक से मिलाएं। थोड़े थोड़े देर में इसे चलाते रहें ताकि उसके अंदर का पानी अच्छे से सूख जाए। फिर हम इसमें 2 टेबल स्पून नमक ऐड किए, उसे अच्छी तरह से मिलाएं। मसाले में नमक अच्छे से घुल जाए। अब इसमें हमने मटन डाला है, हमने 1 केजी मटन का यूज किया था। अब इसे ठीक से मिलाएं, थोड़ी थोड़ी देर में इसे चलाते रहें ताकि मटन अंदर लगे नहीं। फिर इसे ढक दें, थोड़ी थोड़ी देर में ढक करके पकाएं ताकि इससे कलर निखर आ जाए। थोड़ी थोड़ी देर में मटन को चलाते रहें। देखिए, धीरे धीरे कलर आना शुरू हो गया है, रेड होना शुरू हो गया है। इसे तब तक चलाते रहें ताकि मटन का और मसाले का पानी सूख ना जाए और मसाला मटन दोनों ठीक तरह से भुजा नहीं जाए। अब देखिए, मटन भुना चले गया है। इसमें हमने 1 से 1.5 गिलास पानी डाला है, या तो आप उसे गर्म करके डालें पानी को, या फिर ठंडा भी डाल सकते हैं। फिर इसे ठीक से चलाएं और मसाले को पानी को अच्छे तरह से मिलाएं ताकि पानी में मसाला ठीक तरह से घुल जाए। देखिए, अब इसमें उबाल आने लगा। गर्म मसाला पाउडर, सूखा पाउडर और मटन मसाला पाउडर इसमें अब डालेंगे, इससे टेस्ट में और भी ज़्यादा निखार आएगा। धीरे मीडियम लो पे इसे हम खोलने दें। मैंने अब मटन को कुकर में डाली हूँ ताकि वो अच्छे से सीज जाए।
अब देखिए ये मटन तैयार है, हमारा टेस्टी यम्मी मटन तैयार है। इसे ठीक से मिलाएं, क्योंकि अभी जो है सारा ऑयल ऊपर है। ठीक तरह से मिलाएं ताकि अंदर का जमा हुआ मसाला मटन के साथ अच्छी तरह से घुल जाए। ऊपर में मटन को डालने के बाद मैंने इसमें 2 सीटी लगाया है। अब देखिए ये हमारा बेहतरीन रेसिपी मटन बनके तैयार है।